तो आज हम लोग सब लोग पढ़ने वाले हैं सीएसआर। सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट वर्ड से आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका जो लेवल है जिस पे वो लोग काम करते हैं उनकी सोशली एनवायरमेंट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी के ऊपर ये टॉपिक होगा। एग्जैक्टली सी, सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल, एम्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटल गोल्स और सपोर्ट वॉलंटियरिंग और एथिकली ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? वॉलंटियरिंग का एकदम इजी मीनिंग है किस तरह से सबको एग्जामिन करना है, वॉलंटियर करना है, प्लस एथिकली ओरिएंटेड कि जो चीज हमने सोची है ये हमारी बाउंड्रीज है, यहाँ पे हमको इतने में ये काम इतने अच्छे से करना है, एथिकली ओरिएंटेड, प्लस दिस इट मेक्स अ कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। अगर हमने कोई हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो सोशली हम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे एज वेल एज वो लोग हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, प्लस इट शुड बी अकाउंटेबल, यू शुड हैव योर रिकॉर्ड्स। दिस अकाउंटेबिलिटी इज टुवर्ड इटसेल्फ, इट्स स्टेक होल्डर्स, पब्लिक इन जनरल एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मनी विथ यू, मे बी इट कैन बी शेयर होल्डर्स, जनरल पब्लिक, हु एवर, जिनका भी आपके साथ में मनी से रिलेटेड रिलेशन है उनका आपके साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय प्रैक्टिसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज कैन बी कॉन्शियस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी कि एनवायरमेंट, पूरा एनवायरमेंट के ऊपर हमारे काम का क्या असर हो रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने हमारे रिलेशंस एनवायरमेंट के साथ में, एनवायरमेंट मतलब नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग बींग्स के साथ में हमारे रिलेशन है तो उनके साथ में हमें उसे बनाए रखना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सीएसआर। वंस अगेन आई विल से यू, जो मैंने आज आपको नहीं बोला है कि जैसे कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे ओसीएम में, वो वर्ड्स के मीनिंग्स बहुत इजी है बट वो आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि अभी आप लोगों को क्या लगता है कि वाओ इतना इंटरेस्टिंग वर्ड है सीएसआर, अच्छा लगेगा प्रोनाउंस करने को, लेकिन उसका मतलब, वर्ड का पूरा मीनिंग आपको याद रहना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्यों आपको बार बार बोलती हूँ कि शॉर्ट फॉर्म भी याद रखो, फुल फॉर्म भी याद रखो, ताकि आप लोगों को आगे जाके जो बड़े बड़े आंसर्स है वो सब कुछ याद रखने में ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो। चीज़ों को अगर हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में समझ जाएंगे, अभी जैसे मैं आपको इतने सारे हीरो के बीच में कोई भी एक गाने का सिर्फ दो चार वर्डिंग बोलूंगी तो आप फटाफट उसके हीरो का नाम बोल दोगे, हीरोइन का नाम बोल दोगे। क्यों? बिकॉज हम लोगों को चीज़ें उस छोटी छोटी चीज़ों में हमको सारी बड़ी बड़ी बातें याद रहती हैं। गेटिंग भी बिल्कुल वैसे ही अपने को आंसर्स लर्न करना है। अकॉर्डिंग टू यूनिडो, यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ओवर इंडिया बोलो, ऑल ओवर वर्ल्ड बोलो, इन चीजों को कैसे समझना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट, हर चीज मैनेजमेंट। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि मैनेजमेंट, एम फॉर मैनेजमेंट, एम फॉर मॉम। मैनेजमेंट अगर अच्छा है, बेहतर है, तो आगे की सारी चीजें अच्छी होंगी। फर्स्ट थिंग ही अपना अच्छा होना जरूरी है। इट इज द कंसेप्ट वेयर कंपनीज इंटीग्रेट मिलकर सोशल एज वेल एज एनवायरमेंट कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंटरैक्शंस विद द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स वॉट? स्टेक होल्डर्स मीन्स, अभी मैंने बताया था, जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं। तो ये सारा जो काम है सोशली एक कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, सारा इंटरैक्शन अच्छे से होना चाहिए, प्लस जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाना है। वंस अगेन आई विल रीड, इट इज द मैनेजमेंट कंसेप्ट वेयर कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स। दोनों के बीच में वो सारा रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। इज इट ओके? ओके।